हे हाय एवरीवन, दिस इज फुरकान एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, राइट नाउ आप सेटअप देख के पहचान गए रहेंगे मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ नौशाद भाई के इधर साकी नाका में, जरी मरी में, राजू भाई के साथ में। राजू भाई, ये सारे बकरे बेचने के अपने को? नहीं, ये पलाई पे है। पलाई पे बहुत बड़े बड़े बकरे हैं माशाल्लाह, 120 पार, 120 तो कम से कम रहेगा इसमें। ये कितना किलो का है? 100 किलो का है? 100 पार है। नौशाद भाई थोड़ा आ जाओ। ये पलाई का रिजल्ट है, ये अपने इधर की पलाई है। राजू, अपने इधर पलाई कितने रुपए की है? ये अपना 3500। 3500 रुपए सबका? 3500 है। खस्सी हो या अंडू लो, रिजल्ट इसी मिलेंगे। रिजल्ट खाया और बन गए माशाल्लाह। मैं बता दूँ, खाने पीने के मामले में नौशाद भाई के सिवा मैंने नहीं इतना ज्यादा नहीं देखा। ये तीनों कपड़े हमारे से पार्टी है ना, खरीदी है। अभी क्या 155 है? 125 रहेगा ना, जो भी रहेगा। वजन नहीं करते, ये 7 दिन का बच्चा है। इतना बड़ा बकरा है माशाल्लाह, 120 किधर में गया रहेगा ना? वो 7 दिन के, 7 दिन में खरीदे थे, 2 महीने बाद मंगाए थे बकरा। हाँ हाँ, 7 दिन का खरीदे। ये भी है ना, छोटा बच्चा ही आया था। अरे माशाल्लाह, 4 महीने का ना मालवा। ऐसा लगता है कि वो भराई का बकरा है। ये बड़ा ही आया, भराई वाला है। हाँ नौशाद भाई, इसमें कम से कम 120 ही रहेंगे ना? हाँ, सब बकरे लगभग के हैं। अच्छा, 100+ है। 100+ क्या बोलते हैं, इतना पेटा आया 120। 100+ ही बोलते हैं, 100+ ही बोलेंगे ना। 120 का रेजिस्टेंस नहीं अपने पास? 110, 120 भाई देखो, ये पलाई के बकरे हैं, बेचना वो 110 हो, 120 हो, 130 हो, सामने वाले की हमने पलाई ले ली उससे। कितना है अपनी पलाई? अपनी पलाई 3500 रुपये भाई। फिक्स है? फिक्स है, मतलब कोई भी छोटा लो बड़ा लो? नहीं, बकरा छोटा आ जावे तो पहले तो अपन तो सजेस्ट करते हैं, बकरा 50 किलो का लो तो क्या हो, बकरा को 2 दांत 4 दांत रहे तो मेहनत। ये कौन सा बकरा एकदम कम पे आया था और पैसे पलाई के पूरे वसूल किए आपका? बात बोलो, ये बकरा मैंने खरीदा था, बीमार बच्चा ये, बहुत बीमार था, ये 55 किलो पे था ये, लेकिन ये ऐसा बनेगा उसने सोचा नहीं था। ये 2 महीने बाद इसने जब खुला है ना, यकीन मानना मैं कंफ्यूज था बकरा है किसका। हाँ, ये अपने बाड़े में आया, हम तो पलाई के साथ अपना बकरा रखते हैं, तो हमारे दोस्त थे उन्होंने तुरंत वही टाइम ले लिया। खस्सी का मैं पहली बार ऐसा बोलूंगा कि यार इतने माशाल्लाह खतरनाक रिजल्ट आ रहा है भाई। गरम भी है ये, गरम भी है, इसने पूरी पलाई वसूल कर रहा है। लड़ते बोलते कुछ भी हो जाए माशाल्लाह, 3500 रुपए पलाई। मैं यही बोलूंगा नौशाद भाई के इधर आके पर्सनली लाइव देखे और फिर बकरा रखे। बच्चा खड़ा है ना, 7 दिन का लिया हुआ। हाँ, उधर खड़ा उसके बचपन की फोटो आपको दे देंगे, 7 दिन वाली इंस्टाग्राम में है यार। 130 किलो किधर होगा आराम से? जो वो इंडोनेशियन इटावा लिए थे वो इसका ही भाई है। वो लेके गए क्या इंडोनेशियन इटावा? नहीं नहीं, रखा है वो। वो लेके जाने वाले को भी सलामी है। हाँ, वो तो अवकाली आइटम है। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह हकीकत बोलूँ ना, मैंने बॉम्बे में ना इतनी मतलब 3500 फर्स्ट टाइम ऐसा देता हूँ, लेकिन वैसी पलाई भी लगी नहीं। ये हमारे एक व्यापारी है, उनका बकरा है। मतलब कितने दिन से? तो बोलेंगे एक महीने में कैसा बनेगा, बाटली का दूध पीने वाला बच्चा थोड़ी रहेगा बकरा पालने के लिए मेरे पास। नहीं, मैं बोलता एक महीने में रिजल्ट ऐसा नहीं समझ लगा ना। एक महीने में कैसा पॉसिबल है भाई, मिनिमम 6 महीना 8 महीना तो देना पड़ेगा ना। रिवर्स आएगा, फिर बाद में चलेगा, चलेगा, अभी बीमार पड़ेगा, सब देख सुन के है सब। एक महीने में थोड़ी पॉसिबल, बैठ के मजे करूंगा उसके ऊपर, आ जाएगा आराम से। 75 में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कमी नहीं करेंगे खिलाने में। मैं यही नहीं, वो तो है, मैं तो यही बोलता हूँ कि लाइव आके देखो फिर देना नौशाद भाई के पास में, फिर आपको समझ में आएगा कि वो खिलाते कैसा है। और एक बात है कि बकरा दिखाते नहीं है ना, बकरा किसी को नहीं दिखाते, फिर उनके बाद ट्रांसफॉर्मेशन उनके बाद जिनके है ना उन्होंने नहीं देखे। 80 के ऊपर है ना, वो कभी मांगते ही नहीं बकरा माशाल्लाह। हाँ,30-40 किलो उनके माशाल्लाह एक एक कितने जिनके जिनके दर्जन रहेंगे ना आपके पास पालने वाले? ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा नहीं है, लेकिन सब जबरदस्ती कर रखे हैं। एक 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 बंदे लोग ने 10-10 25-25 बकरे ला के दे दिए इनके पास। और एक तो ऊपर से सिटी में पाल रहे मेन, इससे बड़ी बात क्या है। और कभी कभी इन्होंने गर्म है पत्ते दिए नहीं, लेकिन पत्ता नहीं खिलाते। गर्म है, बहुत गर्म है वो।
बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत कंट्रोल करके रखे है ना, मारेगा ना सीधा कर देगा, जबरदस्त बकरा है। देखो वो तुमको देख के कैसा ही करो, अनजान आदमी चलता नहीं ऐसा है। तुमको ही देख रहा खाली हम लोग, ऐसा लगता है आगे की मुंडी है ना, आगे की मुंडी अलग से बिठा दी है इसकी। इसका नाम छोड़ दो ना, आगे आगे ला। अब आओ आओ इधर आ जाओ, मुंडी छोटी निकली है बाकी पूरा बदन बढ़ गया। वैसे ही है ये, कौन सा है? मत तोड़ा मत, मालवा मत, मालवा मत, वो दो पैर पे कूद जाएगा उसके ऊपर अभी। हां मालवा है ना, ये मालवा है, वो ताड़ में ही उसको मारने के तो मजा आ जाती है लेकिन आपके इधर आने के बाद। और माशाल्लाह अंडुल खस्सी हो सब एक जैसे हो, मारा मारी करते हैं अंडुल सब बिना रस्सी से ही बंधे ले रहते। नौशाद भाई की खासियत है कि कभी रस्सी से पालते ही नहीं हो, नया बकरा रहेगा तो ही रस्सी रहेगी ना तो नहीं रहेगी। राजू भाई की तबियत कम होती जा रही है, बकरे की उतनी डबल होती जा रही है, क्यों ऐसा? मेहनत है ना भाई, बिना मेहनत के बकरा। राजू भाई को भी डाल दो ना फिर सेल्फ फीडिंग पे, अभी एक महीना है, एक महीने बाद आपकी सेल्फ फीडिंग पे रहेंगे। बकरे का कलर बहुत अच्छा है यार, ये क्या आएगा ही नहीं, बहुत जिद्दी है, ये सब कुर्बानी वाले, सब कुर्बानी वाले। अगले साल के लिए कुछ लाइन लगा के रखे क्या? नहीं रुकने, क्या ये वाजिद भाई लोग ने है, उनके पीछे के बकरे बहुत है अभी भाई, परेशान है। चलेगा फिर आप देख सकते हो माशाल्लाह रिजल्ट, देखो सेल्फ फीडिंग पे रिजल्ट है। भराई वालों को मतलब एक बोलते ना भाई पूरा कंप्लीट नहीं करते कंडीशन में, एक जितने अपना पलाई के भराई वाला एक लेवल तक सही लगता है क्योंकि भराई का लेवल अलग हो जाता है, वो लेवल अलग है भाई, लेवल अलग है, पलाई अलग है, वो मेहनत अलग है। एक मतलब एक लेवल तक अपन बोल सकते कि है ये बकरे माशाल्लाह सेल्फ फीडिंग पे सबसे अपने पोजीशन पे सबसे बड़े खड़े। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी नौशाद भाई के इधर पलाई पे भेजना रहेगा मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, पहले आके उनसे मिलो लाइव, देखो उनके बकरे कैसे संभालते हैं, फिर उसके आगे आप कैरी ऑन करना। लेकिन माशाल्लाह जितने वो पेमेंट ले रहे हो उस हिसाब से माशाल्लाह उतना खिलाते भी है, मैं उनको पर्सनली सब दवा ये सब देखा हूँ, कैल्शियम वगैरह बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे नौशाद भाई? बस भाई अल्हम्दुलिल्लाह उसको अच्छा लगे तो आओ देखो, समझ में आता है तो रखो, तो कोई मुश्किल नहीं। सही बात है क्योंकि उनके पास इतने बकरे हैं कि उनको मालूम नहीं है उनके बकरे किधर है, ढूंढना पड़ता है। आ, आ, आ।